मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 60 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अपने वजीर खारजा को खत लिखा है कि इमरान खान को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। वाज़े हो गया वो किसके एजेंट हैं। मुल्की मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ। क्या 13 जमातें एक आदमी को राजी करें? ऐसा नहीं हो सकता। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाले इकदामात पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पार्लियामेंट की इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है। वाज़े हो जाता है कि ये किसका एजेंट है। बलवे हुए हैं, कहते हैं ये हमारे लोग नहीं हैं, तो इसका माना यह कि आपके लिए फिर कोई बंदा निकला भी नहीं है। जो कानून मेरे लिए हो, जो नवाज़ शरीफ के लिए हो, जो शहबाज शरीफ के लिए हो, जो मरियम नवाज के लिए हो, जो जरदारी के लिए हो, आज वो कानून यहाँ पर क्यों मुअत्तल हो गया है? जब अदालतों का ये हाल हो, सिविलियन अदालतों का, और हमले आर्मी के मराकस पे हो रहे हों, तो आप बताएं कि फिर उनका अपना एक्ट हरकत में नहीं आएगा तो किधर जाएंगे? वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, हम अवामी अदालत के तहत कार्रवाई करेंगे। मैं तो मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करूँगा। किससे बात करें? सारी पार्टियां हुकूमत में हैं और सारी पार्टियां एक पार्टी को, एक बंदे को राजी करें, ये कौन सा तुक्का है? हमने बहुत से मकासद एक ही दिन के अंदर हासिल कर लिए। कोर्ट के क्यारियों का भी तहफ्फुज़ किया।